तो दोस्तों रेस्ट हो गया है, पूरी थकान चली गई है। ऑलमोस्ट 2 घंटे रेस्ट करने के बाद अब हम निकले हैं बाहर कटरा मार्केट एक्सप्लोर करने। शाम को हल्का सा मौसम अब ठंडा ठंडा होने लगा है और उम्मीद है कल शायद बारिश होने के चांसेस है, 30% चांसेस है। बारिश ना हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज हमारी यात्रा अच्छे से नहीं हो पाएगी। बर्फ गिर जाए तो चल जाएगा, बारिश नहीं गिरनी चाहिए। तो अभी घूमते हैं कटरा मार्केट और देखते हैं कुछ खाने पीने का, एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको पीके डायरी के थ्रू की कटरा मार्केट कैसी है और अभी ठंड के मौसम में यहाँ पे क्या माहौल रहता है। तो मेरे साथ आप बने रहिए ऐसे ही जैसे आप मेरे साथ पुरानी वीडियो में बने रहते हैं। सब अपनी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सबको अपना चैनल ग्रो करना है। आप भी लोग भाजी चाय सामने, हमने पराठे का ऑर्डर दिया है, गरम गरम तंदूर पराठा वो बन के आ रहा है, उसके साथ अपन चाय पियेंगे। चाय के साथ मसालों का पराठा खाते हैं। ड्राई फ्रूट सबकी मार्केट यहाँ पे है। प्रीव्यू तो कटरा मार्केट काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आपको हर हैंडीक्राफ्ट आइटम, माता से रिलेटेड हो प्रसाद चुनरी वगैरह सब कुछ मिलेगा। खाने पीने की भी आपको यहाँ पे गोलगप्पे से लेके सब कुछ मिलेगा। तो शाम के टाइम आप टाइम निकाल के एक बार मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छा भी लगेगा, एक टूरिस्ट वाली फील भी आएगी और सुकून तो क्या ही कहने। तो मैं शाम के टाइम मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अपने कैमरे के थ्रू आपको भी दिखा रहा हूँ, तो बने रहिए। कुछ खाने का मिलता है तो कुछ खाने का ट्राई करेंगे, स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, अदरवाइज कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी ज़रूर करेंगे। तो आप ऐसे ही पीके डायरी पे बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ शाम को कटरा की नाइट लाइफ। हमारे दूसरे भाई भी ब्लॉग कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट के भी काफ़ी मार्केट मिलेगी, तो आप यहाँ पे किलो के भाव में भी लेके जा सकते हैं, पूरे कट्टे बने हुए मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप आम पापड़ के शौकीन हो तो पहाड़ों में यहाँ पे आम पापड़ भी अच्छा मिलता है और ठीक क्वालिटी का मिल जाता है। कंबल वगैरह, कश्मीरी शॉल वगैरह सब कुछ आपको देखने का मिलेगा। तो अच्छा तो लग रहा है मार्केट में घूम के शाम को, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको।
बच्चे रहने तो ऐसे नहीं चलो। तो दोस्तों मैं इस टाइम खड़ा हूँ फुवारा चौक और मैंने आपको अपनी पूरी मार्केट कवर करा दी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो है भवन और यहाँ से आपको एक दूसरा काउंटर है पर्ची वाला, वहाँ से आप पर्ची लेके इस रास्ते से आप एंट्रेंस के लिए जा सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो रात काफ़ी अच्छी है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मार्केट भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो इस टाइम आप देख रहे हो मेरे साथ पीके डायरी के साथ फुवारा चौक। तो ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा आपका अर्धकुंवारी और बाणगंगा की तरफ। यहाँ पे अब बर्गर किंग भी खुल चुके हैं और काफ़ी अलग फूड आउटलेट है। और यहाँ से आपको रिसेप्शन सेंटर है जहाँ से एक पर्ची लेते हो, जैसे मैंने दूसरा काउंटर दिखाया था यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और ये रास्ता जाएगा बाणगंगा की तरफ। थोड़ा सा आप आगे जाओगे आपको आगे जाके वहाँ पे मेन द्वार है जो माँ भवन के यात्रा का, वो मिलेगा। तो चलिए शाम को खाते हैं बर्गर किंग से बर्गर। तो यहाँ पे नया आउटलेट खुला है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप ऑर्डर ले सकते हो अगर आप बर्गर किंग के दीवाने हो। तो हम ऊपर जाके बैठते हैं, बर्गर किंग खाते हैं और आज रात तो हम बस नाइट एक्सप्लोर करेंगे कटरा मार्केट में। कल सुबह हमें चढ़ाई करनी है माता वैष्णो देवी की और वो मैं अलग से एक दूसरे ब्लॉग में डालूंगा, ये ब्लॉग बस नाइट लाइफ के लिए है।
दोस्तों अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको कटरा मार्केट नाइट लाइफ कैसी लगी। मिलते हैं सुबह माता वैष्णो की चढ़ाई के दौरान, बने रहिए एपिसोड 3 के लिए और मैं दूर करता हूँ एंजॉय, और मिलते हैं आपसे कल चढ़ाई के टाइम पे।